हसनपुरा प्रखंड के बसंत नगर झौआ कबीरपुरा बेलेथरी और उसके बाद अभी हम लोग मलाई डी टड़िला। किस तरह लोगों का जन समर्थन मिल रहा है? बहुत अच्छा समर्थन है, कहने के लिए सबको यही बात बोलेगा जो हम बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि दलितों में बहुत चिराग पासवान के प्रति बहुत रुझान है और सभी वर्ग के लोग हम लोगों के साथ हैं। चूँकि अन्य एक को 5 साल लोगों ने देखा और दूसरे बाहरी व्यक्ति हैं, रघुनाथपुर विधानसभा के नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, कोई सेवा नहीं है, इसलिए उनका कहीं कोई वजूद नहीं है। सब मिलाकर लड़ाई मेरे ही इर्द गिर्द है और हमें लगता है कि रघुनाथपुर की जनता इस बार पलटी मारेगी और जो अभी वर्तमान में है उनको हराएगी और मुझे जिताएगी। लड़ाई किससे रहेगी? अब जो वर्तमान है उनको हराएगी और मुझे जिताएगी, तो आप लड़ाई को समझ सकते हैं। जदयू के राजेश्वर चौहान कहाँ रहेंगे? वो जदयू में कहीं कुछ नहीं है, वो गोपालगंज जिले के हैं कि कहाँ के हैं मैं नहीं जानता हूँ, सिवान में रहते हैं, दारू व्यवसायी का है ये मैं इतना लोगों को पता है, बाकी हमको कोई पता नहीं है। किसी लोकल लोगों से पूछ सकते हैं कि वो कौन है क्या है, लोग बता देगा, हम नहीं जानते हैं। विशेष कहीं कोई एनडीए तेनडीए नहीं है, कहने के लिए है एनडीए कहीं नहीं है, न सिवान में है, न जीरादेई में है, न दरौंदा में है, न दरौली में है, न रघुनाथपुर में है, न बड़हरिया में है, कहीं कुछ नहीं है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रह चुके, ये तो भाजपा बताएगी। अब तो मैं लोजपा के साथ हूँ, हमारे नेता चिराग पासवान जी हैं और मैं अब उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। हमारी पार्टी है, मेरा घर था और हम उस पर कोई कमेंट करना उचित नहीं समझते हैं। संघ वोट देंगे, पूरे गांव को लेके वोट देंगे, सहयोग मिल रहा है, एकदम सहयोग देंगे। नाम बता दीजिए। अमिका राम। साल बदलाव होने वाला है, सब लोग मनोज सिंह के पक्ष में हैं, जनता खुश है, जनता इनको चाहती है और इनको वोट देगी। इस बार रघुनाथपुर के विधायक बनेंगे? मनोज सिंह सीओर बनेंगे, इसमें दो मत नहीं है। अपार जन समर्थन मिल रहा है, जीत निश्चित है। जी, जीत निश्चित है। जनता